alaikum students I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about the MCQs and some important short questions and columns of chapter number two which is named as cell division. Now we are going to discuss about the short questions and long questions that are present in the exercise of this chapter. The first short question is name to inheritable characters. And we know that inheritable characters are those characters which are transferred from parents to their offsprings. And the name of two inheritable characters are attached and detached earlobe and eye colour. The next question is name two non-inheritable characters. So the name of two non-inheritable characters are disease and loss of body organ.

और इसमें हमने पढ़ा था कि जो जीन्स होते हैं वो हेरिडिटी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं यानी जो वरासत होती है जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू तो देयर ऑफस्प्रिंग्स उसका जो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी है का वो है जीन्स जीन्स है इनके पास सारा डाटा स्टोर होता है इसलिए ये एक इंस्ट्रक्शंस के तौर पर काम करती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हेरिडिटी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी टू इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और इसमें हमने डिस्कस किया था कि हेरिडिटी क्या होती है जो ट्रांसमिशन होती है करेक्टरिस्टिक्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स इसको हम कहते हैं हेरिडिटी है है। और इसके बाद आप इसमें एग्जांपल्स देंगे जैसे आई कलर स्किन कलर हेयर कलर अटैच लोब्स हाइट इंटेलिजेंस ये सारे जो हैं ये हेरिडिटी है है के एग्जाम्पल्स हैं यानी ये वो करैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स या ऑफ में ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ तक इसका आंसर होगा द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज इज आर सेल्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज ट्वेंटी फोर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहां तक होगा और इसमें हेप्लॉयड सेल को डिफाइन किया गया है कि ऐसे सेल्स जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है यानी जो क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं उनका सिर्फ एक मेंबर मौजूद होता है तो उन सेल्स को हम कहते हैं हिप्लॉइड सेल्स जैसे हमें हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स हैं लेकिन पेयर की फॉर्म में ट्वेंटी थ्री पेयर्स मौजूद हैं तो जो हिप्लॉयड सेल्स हैं उनमें सिर्फ ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे यानी जो क्रोमोसोम के पेयर हैं उनका सिर्फ एक मेंबर मौजूद होगा और वह सेल कौन कौन से हैं वो हैं गेमिर सेल्स स्पर्म और एग जिनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और इन सेल्स को हम कहते हैं हेप्लॉइड सेल्स तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे द गेमिट्स स्पर्म्स और एग और स्पोर्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द म्योसिस कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर आर कॉल्ड हेप्लॉयड सेल्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब माइटोसिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी तो लॉन्ग क्वेश्चन टू पॉइंट फोर का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है इस क्वेश्चन में पहले आप माइटोसिस को डिफाइन करेंगे कि जो माइटोसिस है वो सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है लेकिन जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है इसके बाद आप इसके डायग्राम बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे माइटोसिस के प्रोसेस को द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मियोसिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी वन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट फाइव का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा इसमें पहले आप मियोसिस को डिफाइन करेंगे कि जो म्यूसिस है इज अ प्रोसेस बाई विच न्यूक्लियस ऑफ अ सेल ट्वाइस टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ कंपेयर टू द पेरेंट सेल तो ये मियोसिस को पहले आप डिफाइन करेंगे कि मियोसिस जो है वो सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें न्यूक्लियस दो दफ़ा डिवाइड करता है और इसमें फोर डॉटर सेल्स बनते हैं और जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है पेरेंट सेल की नस्बत इसके बाद आप इसके डायग्राम बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ तक इसका आंसर होगा द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिफाइन हैडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी टू टू पेज नंबर ट्वेंटी थ्री लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट सिक्स का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे इसमें आप पहले हेरिडिटी की डेफिनेशन बताएंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स और इसके बाद आप हेरिडिटी के एग्जांपल्स देंगे यानी वो करेक्टर्स बताएंगे जो ट्रांसफ़र होते हैं तो फिर आप बताएंगे वेरिएशन वेरिएशन का मतलब है चेंजेस यानी जो करेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज आना जिसकी वजह से जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं और इसी तरह से जो वेरिएशन होती हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और हार्मफुल भी तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ तक इसका आंसर बनेगा द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंगस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेज नंबर ट्वेंटी इस क्वेश्चन के आंसर में आप पहले इनहेरिटेबल करेक्टर्स को डिफाइन करेंगे यानी वो करेक्टर्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं उनको हम कहते हैं इन्हेरटेबल करेक्टर्स इसके बाद आप इनहेरिटेबल करेक्टर्स की एग्जाम्पल देंगे यानी आई कलर और अटैच्ड एंड डी अटैच्ड ईयरलोम ये दोनों इनहेरिटेबल है, करेक्टर्स हैं यानी वो करेक्टर्स है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ तक इसका आंसर बनेगा द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट नॉट ऑन डी एन ए द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी फाइव इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है जिसमें बताया गया है कि जो डीएनए होता है वो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बना होता है और इन स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स इसके बाद आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स की फोर टाइप्स होती हैं एडिनिन थायमिन साइटोसिन एंड गवान और इसके बाद आपने देखा था कि जो वॉटसन और क्रिक हैं उन्होंने डी का एक मॉडल पेश किया जिसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से जाना जाता है और इस डीएनए के मॉडल में डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक बनाए हुए होते हैं यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे और साथ डायग्राम बनाएंगे जो हमारे पास है वो है क्रोमोसोम्स और इसका आंसर पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पर है क्रोमोसोम्स पर नोट आके आप जिसमें आपने पढ़ा था कि जो तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और जब सेल डिवाइड होने लगता है तो क्रोमोसोम्स डिस्टिंग एक ऑर्डर अरेंजमेंट शो करते हैं और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रोमा हर क्रोमा जो है वो एक सेंट्रल पार्ट के साथ अटैच हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं सेंट्रो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखेंगे नेक्स्ट जो हमने नोट लिखना है वो है जीन्स इसका आंसर भी पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पर है जीन्स पर जो आपने नोट लिखना है उसमें सबसे पहले आप जीन्स को डिफाइन करेंगे तो इसके डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है कि द बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन्स जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स इसके बाद आप बताएंगे कि जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं जीन्स अकर्स इन पेयर और इसके बाद फिर यहाँ से ऐड करेंगे कि वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट यहाँ तक लिखने के बाद आपने फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है कि जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के सेक्शंस होते हैं जो क्रोमोसोम पर लोकेट हुए होते हैं और इनके पास इन्फॉमेशन स्टोर होती है कि कौन से करेक्टर्स पेरेंट्स या ऑफ में ट्रांसफर होंगे तो यहाँ तक इसका आंसर होगा सबसे पहले जीन को डिफाइन करेंगे उसके बाद आप लिखेंगे कि जीन्स अकर्ज जीन पेयर फिर लास्ट वाली लाइन है इसे ऐड करेंगे कि वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट वाइल द अदर मेंबर कम फ्रॉम फीमेल पेरेंट और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम ये जो डायग्राम है ये क्रोमोसोम के डायग्राम है इसमें जो आपको आर्म्स नज़र आ रहे हैं इन आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमाटेड और दो क्रोमाटेट जिस एक पॉइंट पर अटैच हों यानी जो उनका कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर तो इस तरह से क्रोमोसोम के डायग्राम को आप लेबल करेंगे उर्दू मीडियम के आंसर किस तरह से देंगे जो पहला सवाल है वो है कि दो मौसिया के नाम बताएं यानी दो ऐसी खसूसिया के नाम बताएं जो वालदे से बच्चों में मुंतकिल होती हैं तो इसके जवाब में आप लिखेंगे आंखों की रंगत और कानों की लू तो जो हमारा अगला सवाल है वह है कि दो गैरमरूसी खूसियात के नाम बताएं यानी अब दो ऐसी खसूसियात के नाम बताएं जो वालदे से बच्चों में मुंतकिल नहीं होती हैं तो इस सवाल के जवाब में आप लिखेंगे बीमारी और कटा हुआ अज़ू यानी ये दोनों ऐसी खसूसियात हैं जो वालदेन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होती तो इसलिए ये गैर गैरमरूसी खूसियात की मिसालें हैं इसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल है वो है कि जीन क्या है इस सवाल का जवाब पेज नंबर ट्वेंटी टू पर है इस सवाल का जवाब आप यहाँ से देखकर यहाँ तक लिखेंगे जो कि जीन की डेफिनेशन है हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जानदारों में जो क्रिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से स्पिंग्स उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं यानी जो जीन्स हैं वो मौरूियत की बुनियादी फिज़िकल और फेलियाती हैं जीन्स जिसम में ख़ास किस्म के मादों के तैयारी के लिए हदायात के तौर पर अमल करते हैं और ये मादे प्रोटीन कहलाते हैं यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हमारे पास जो अगला सवाल है वो है कि मौरूियत की तारीफ करें इस सवाल का जवाब पेज नंबर ट्वेंटी वन पर है सवाल का जवाब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे जिसमें आप पहले मौरूियत की डेफिनेशन बताएंगे और इसके बाद इसकी मिसालें बताएंगे मौरूियत का मतलब होता है कि खसूसियात का वालदे से बच्चों में मुंतकिल होना जैसे कि आंखों की रंगत जल या चेहरे की रंगत बालों की रंगत कान की लू कद जहानत ये सारी ऐसी खसूसियात हैं जो वालदे से बच्चों में मुंतकिल होती हैं इस वजह से इन्हें मौसी खसूसियात कहा जाता है सवाल नंबर पाँच है एप्लॉयड सेल क्या होते हैं इस सवाल का जवाब पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पर है इस सवाल का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है जिसमें बताया गया है कि जो तो तुलदी सेल्स होते हैं यानी गैमिट या स्पर्म उनमें क्रोमोसोम की हर जोड़ी का सिर्फ एक ही रुकन पाया जाता है और इस वजह से इनको कहते हैं हेपलॉयड है सेल हेपेलॉइड का मतलब होता है हाफ तो तुलदी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और जिन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं हेपलॉइड सेल्स अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कि माइटोसिस का अमल बयान करें इस सवाल का जवाब पेज नंबर नाइनटीन पर है इस सवाल का जवाब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा जिसमें आप पहले माइटोसिस के डेफिनेशन बताएंगे कि माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें जो आबाई सेल होता है वो दो दुख्तर सेल्स में तकसीम हो जाता है और दुखतर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर वही होता है जो अबाई सेल में मौजूद होता है इसके बाद आप इसके डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट फाइव है कि मियोसिस का अमल बयान करें इस सवाल का जवाब पेज नंबर ट्वेंटी पर है इस सवाल का जवाब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे इसमें आप पहले मियोसिस की डेफिनेशन करेंगे कि मियोसिस का अमल दो डिवीजन पर होता है जो मियोटिक वन डिवीजन और मियोटिक टू डिवीज़न कहलाती है मियोटिक वन डिवीजन के दौरान जो दुख्तर न्यूकलियाई में क्रोमोसोम की तादाद अबाई न्यूक्लियस के मुकाबले में आधी रह जाती है यहाँ तक इसके डेफिनेशन करेंगे साथ डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट सिक्स है वो है कि मौसियत क्या है वालदेन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकली में इसकी क्या अहमियत है इस सवाल का जवाब पेज नंबर ट्वेंटी वन पर है इस सवाल का जवाब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे इसमें आप पहले मौसियत के डेफिनेशन बताएंगे कि खसूसियात का वालदे से बच्चों में मुंतकिल होना मौरूियत कहलाता है और वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो वालदे से बच्चों में मुंतकिल होती हैं यानी मौरू खसूसियात हैं इसके बाद आप वेरिएशन के डेफिनेशन बताएँगे अगला सवाल है कि इन खसूसियात को बयान करें जो वालदे से बच्चों में मुंतकिल होती हैं इस सवाल का जवाब पेज नंबर ट्वेंटी फ़ोर और ट्वेंटी फाइव पर है इस सवाल का जवाब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे जिसमें आप पहले मौस्य खसूसियात की डेफिनेशन बताएंगे यानी मौसमी खसूसियात वह खसूसियात वाले से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली खसूसियात को हम मौसी खसूसियात कहते हैं और इसके बाद आप मौसी खसूसियात की मिसालें देंगे आँखों की रंगत और कान की जुड़ी हुई लू और आज़ाद लू तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ तक होगा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास के जेल पर नोट लिखें इसमें से सबसे पहला है पॉइंट वो है डीएनए इसका जवाब पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पर है इस सवाल का जवाब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि डी एन ए के, के मोलिक्यूल में बहुत छोटे छोटे अज्जा मौजूद होते हैं और इन अज्जा को न्यूक्लियर टाइट कहा जाता है और ये जो न्यूक्लियर टाइट होते हैं, होती है इनकी चार एग्जाम होती हैं और इसके बाद आप बताएंगे कि वाटसन और क्रिक ने डी एन ए का मॉडल पेश किया जिसको वाटसन और क्रिक डी एन ए मॉडल कहा जाता है तो यहाँ तक तो इसका आंसर लिखेंगे आप इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रोमोसोम इसका आंसर पेज नंबर ट्वेंटी टू पर है इसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि क्रोमोसोम्स जो है वो धागा नुमा स होती है न्यूक्लियस में पाई जाती है क्रोमोसोम के दोनों बाजू एक ही पॉइंट पर जुड़े हों तो उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमियर यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे फिर तो नेक्स्ट है ने हमारे पास वो है जीन्स इसका आंसर भी पेज नंबर ट्वेंटी टू पर है इसमें सबसे पहले आप जीन्स के डेफिनेशन बताएंगे यहाँ से यहाँ तक इसके बाद आप बताएंगे कि जींस जोड़ों की सूरत में होते हैं और जीन्स की हर जोड़ी का एक रुकन नर जानदार और दूसरा रुकन मादा जानदार से आता है यहाँ तक लिखने के बाद आप फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे अगला सवाल है हमारे पास कि दी गई शक्ल की पहचान करें और लेबल करें तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये है क्रोमोसोम के डायग्राम इसमें जो क्रोमोसोम के दो बाजू हैं रेड कलर के इन बाजुओं को हम कहते हैं क्रोमाटेट्स और क्रोमाटेट्स जिस पॉइंट पर जुड़े होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर तो इस तरह से क्रोमोसोम के डायग्राम को आप लेबल करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने जो चैप्टर नंबर टू था इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें आप ओके थैंक यू वेरी अल्लाह हाफिज़